सहगल फाउंडेशन ने 20 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर मुख्य चिकित्सा अधिकारी प्रयागराज को सौंपे। प्रयागराज उत्तर प्रदेश कोरोना महामारी की इस भयावह स्थिति से निपटने के लिए सहगल फाउंडेशन ने मोजेक इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के सहयोग से कोविड-19 राहत कार्यक्रम के तहत 10 लीटर क्षमता वाले कुल 20 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर को मुख्य चिकित्सा अधिकारी प्रयागराज को उपलब्ध कराए गए हैं। ये ऑक्सीजन कंसंट्रेटर प्रयागराज के मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर प्रभाकर राय, जिला प्रशासनिक अधिकारी विनीत कुमार श्रीवास्तव, स्वास्थ्य शिक्षा व सूचना अधिकारी श्री पंकज पांडे व प्रधान सहायक विनोद कुमार शर्मा की उपस्थिति में सौंपे गए, जिनका उपयोग अब अस्पताल और स्वास्थ्य केंद्र में मरीजों का इलाज करने में किया जाएगा। यह ऑक्सीजन कंसंट्रेटर स्थानीय निवासियों व महामारी में कार्यरत चिकित्सकों और कर्मचारियों की जिंदगी बचाने में मददगार साबित होंगे। सहगल फाउंडेशन के इस प्रयास के लिए प्रयागराज के मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर प्रभाकर राय ने व उनके सहयोगियों के द्वारा काफी प्रशंसा और सराहना की गई। संस्था के कृषि विकास कार्यक्रम के पदाधिकारी श्री पवन कुमार के द्वारा बताया गया कि इस भयावह स्थिति से निपटने के लिए सहगल फाउंडेशन हमेशा से ही जन समुदाय के लिए सहयोग करता आ रहा है और आगे भी इसी तरीके से मदद करता रहेगा। इस वितरण कार्यक्रम में प्रतिनिधि धर्मेंद्र सिंह, वैकुंठनाथ शुक्ला, धीरज कुमार सिंह, अरुण शुक्ला, अर्जुन जी व अन्य जिला स्वास्थ्य अधिकारी भी मौजूद रहे। मणियाहों से कपिल देव सिंह की रिपोर्ट। हम तो शुक्रगुजार हैं डॉक्टर साहब के कि डॉक्टर साहब ने जो हम दान दे रहे हैं उनको एक्सेप्ट किया है, तो लिया है और हम ये चाहते हैं, जैसे डॉक्टर साहब ने बोला कि ये भी एक जीवनदायिनी है आज के टाइम में, जीवनदायिनी यंत्र जो कोविड के पैंडेमिक के टाइम पे, तो हमारे तो जितना भी हमसे बन पाया है, जितना भी हमने किया है वो कुछ है, उसके लिए जितनी जरूरतें तो बहुत सारी हैं, बट हम जितना अपने लेवल पर कर पाएंगे और हम उम्मीद करते हैं कि इनके उपयोग से जो भी दान दिया जा रहा है, जिनकी भी जीवन में काम आएगा, जिनके भी ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगी, अगर इनसे कुछ लोगों की जानें बच सकती हैं तो हमारे लिए यही बहुत बड़ा कार्य है। हाँ, हमारा आज 16 जून को सहगल फाउंडेशन पवन सहगल जी हैं, इन्होंने हम लोगों को स्वास्थ्य विभाग प्रयागराज उत्तर प्रदेश के लिए 20 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर हम लोगों को दान में दिया है उसे, और सबसे बड़ी बात है कि ये 10 लीटर प्रति मिनट क्षमता का है और ये बहुत ही अच्छा है, उपयोगी होगा, स्पेशली अभी जो कोविड का चल रहा था और हो सकता है कि आने वाले समय में इसकी उपयोगिता आने वाले सालों तक, दसों साल तक रहेगी, और इसके लिए हम हमारा स्वास्थ्य विभाग सहगल फाउंडेशन के प्रति कृतज्ञ हैं और उम्मीद करते हैं कि आगे भी आपका इस तरह का सामाजिक दायित्व और दायित्व के प्रति आप लोग सचेत रहेंगे और हम लोगों को भी अच्छा काम करने के लिए प्रेरणा डाल सकें। हमारा प्रयास रहेगा कि जो ज़रूरतमंद है, जिसको ऑक्सीजन की कमी को जिसकी जान जा रही है, इसको लगा के प्राण की रक्षा किया जाए। जैसा आप जानते हैं कि भाई ऑक्सीजन तो अंग्रेजी टर्म है, हम लोगों के हिंदी में इसको कहते हैं प्राणवायु, वो वायु जो जीवन को प्राण देती है, जीवित रखती है, तो प्राणवायु ही प्राण जीवन का आधार है और उसके बिना जीवन 3 मिनट से ज़्यादा का संभव नहीं है, तो ये बहुत ही ज़रूरी है और सब तरह से मेरे दान सत्कर्मों से अच्छा है जो हाथ से किया जाए, पर इसमें दान सर्वोपरि है, जिसमें कि अपने से आप साथ से कुछ अर्न करें और अपने उन्हीं हाथों से दे दें, इससे बड़ा कर्म कुछ भी नहीं हो सकता है। थैंक यू भाई।